सब्सक्राइब कीजिए साइबर टेक चैनल को और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइबर टेक। दोस्तों, मैं आपके सामने आज लाया हूँ ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप चला सकते हो इंटरनेट। अगर आपके स्टेट में इंटरनेट बंद होगा तो फिर भी आप अच्छे तरीके से इंटरनेट चला सकते हैं। तो ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि हम कैसे इंटरनेट चला सकते हैं अगर हमारे स्टेट में इंटरनेट बंद भी होगा तो फिर भी आप कैसे इंटरनेट चला सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको हर एक स्टेप मेरा नोट्स करना है। तो देखिए, मैं अब यहाँ ऑन कर रहा हूँ पहले मोबाइल डेटा को। मैंने यहाँ ऑन किया मोबाइल डेटा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मेरा यहाँ कोई इंटरनेट नहीं चल रहा है। देखिए, मैं व्हाट्सएप पर जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई मैसेज नहीं हो रही है मुझे। देखिए, मैंने हाई किया है, मैसेज नहीं हो रही है। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम कर सकते हैं इंटरनेट एक्सेस। मेरे स्टेट में इस वक्त मतलब अवेलेबल नहीं है इंटरनेट, तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है लोड, तो ये वही दिखा रहा है पुराना वाला। तो देखिए, नया वाला कुछ भी नहीं, मैसेज में जब गया कुछ भी नहीं यहाँ दिखा रहा है। वैसे ही जब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं यूसी ब्राउज़र में गया। यूसी ब्राउज़र में अब मैं फेसबुक क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं आपको सेटिस्फाई पूरा करूँगा कि मेरा नेट नहीं चल रहा है। देखिए, मैंने नेट ऑन भी किया है, ऊपर से आप देख भी सकते हो LTE आ रहा है, मत नेट कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए, मैं इसको मिनिमाइज करूँगा। अब हम करेंगे काम, हमें एक एप्लीकेशन यहाँ डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रख के देता हूँ इस एप्लीकेशन की, योर फ्रीडम VPN इसका नाम है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। मैंने ओपन की और नीचे से यहाँ आ रहा है कन्फिगर, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। कन्फिगर में फिर ऊपर कनेक्शन आ रहा है। तो इसके बाद जब मैंने कनेक्शन पे क्लिक किया, देखिए मैंने कनेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें ध्यान से रखना है कि ध्यान आपको देना है कि यहाँ क्या क्या रखना है। यहाँ मैं पोर्ट 53 रख रहा हूँ और यहाँ रखना है कनेक्शन मोड DNS और TVX जो है इसका रखना है इंडिया और कॉम। एक्चुअली ये वर्क करते हैं जियो नेटवर्क्स में। इंडिया और कॉम जब मैंने रखी, फिर इस पर मैं कर रहा हूँ क्लिक। विजर्ड पर हमें जाना है, ऊपर लिखा है विजर्ड, इसी पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपने अच्छी तरीके से देखा कि क्या मैंने किया। अब विजर्ड पे जब मैं गया, अब मैंने यहाँ टिक रखा HTTP और DNS पे और ऊपर से आ रहा है राइट एरो, हमें इस पर क्लिक करना है। राइट एरो के बाद यहाँ से कुछ सर्च होने लगी। अब देखिए, यहाँ से कुछ सर्च होने, यहाँ दिखाई दे रहा है कि जीरो वे टू कनेक्ट है। आप देख रहे हैं जीरो वे टू कनेक्ट। जब हमें यहाँ कुछ वेज आएंगे कनेक्ट करने के लिए तो हम फिर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अभी जीरो वे आए, अब टू वेज आ गए, 20 सर्चेज में टू वेज आ गए देख सकते हैं आप, और थ्री वेज आ गई कनेक्ट। एक्चुअली ये हमें सर्वर्स आ रहे हैं जिनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को और यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को, एक्सेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 36 के सर्चेज में 9 वेज आ गए। हम कुछ ऐसे 10 और 15 वेज कलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे इंटरनेट को। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यहाँ पर ही मत छोड़िएगा, बिल्कुल आपका इंटरनेट चल पाएगा। आप देखिए, 16 वेज आ गए हमारे, 17 वेज, 18 वेज, 19 वेज, 20, 21 वेज। देखिए, जब 21 वेज आ गए, ऊपर से क्रॉस है, ऊपर राइट कॉर्नर पे क्रॉस है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। मतलब हमें इतने ही वेज जरूरत है, हम 5 वे भी कनेक्ट कर सकते हैं, 4 वे भी। अब मैं यहाँ पे ऊपर कैंसिल कर देता हूँ। देखिए, मैंने ऊपर से, अब यहाँ देखिए आप, ऊपर से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 21 वेज हमें आ गए, मैंने कैंसिल किया। देखिए, वेटिंग फॉर रिजल्ट। अब हमारे आ रहे हैं कुछ सर्वर्स, ये हमारे सारे सर्वर्स हैं, तो हम किसी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ रिकमेंड करता हूँ आपको कि सजेशन दे रहा हूँ कि आप पहले वाले के साथ कीजिए। देखिए, मैं पहले वाले को क्लिक कर रहा हूँ, ये हाईलाइट हुआ, इसके बाद और इसको क्लिक करना है। देखिए, क्लिक जब किया तो फिर राइट एरो पे क्लिक किया और राइट एरो पे और क्लिक किया, उसके बाद इन्होंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन, वहाँ से आया हमें।
तो हम जाएंगे बैक वापस और जाएंगे यहाँ से बैक वापस। आप मेरा एवरेज स्टेप फॉलो कीजिएगा। हम यहाँ पे करेंगे अब स्टार्ट कनेक्शन, मतलब कनेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए कि हमारा नेट अब चल पाएगा कि नहीं। अब यहाँ एक खास बात है, अब यहाँ पे हमें वेट करना है, थोड़ा टाइम लगता है जब तक हम सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। तो देखिए गाइस, हम वेट कर रहे हैं अभी भी। आपको यहाँ से वीडियो नहीं छोड़ना है, बस आपको देखते रहना है कि कैसे कनेक्ट हो जाएगा और हम एक्सेस करवाएंगे इंटरनेट को अच्छे से। 100% ये बिल्कुल सही ट्रिक है और अच्छी तरीके से चल भी रही है। मैंने इसको कनेक्ट किया है बहुत बार, तो अब मैं दिखा रहा हूँ आज आप लोगों को। देखिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये 0.0, ये असल में स्पीड है। अभी तो स्पीड कुछ भी नहीं, अपलिंक और डाउन लिंक, ये मतलब स्पीड है। अभी तो ग्राफ चल रही है मगर अप डाउन नहीं हो रही है, ग्राफ में कुछ वेरिएशन नहीं आ रही है, सीधे चल रही ग्राफ। जब वेरिएशन आएगी तो हमारा नेट चल पड़ेगा। आप देखिए हमारा नेट अब चल पड़ा। देखिए यहाँ पे स्पीड आई, हम मिनिमाइज कर देते हैं इसको। देखिए हमने मिनिमाइज किया, यहाँ पे मिनिमाइज करने के बाद देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो कनेक्टेड हुआ है यहाँ से। देखिए आप देख रहे कनेक्टेड हुआ, फिर देखिए हमारी पास अब व्हाट्सएप मैसेज भी आने लगी, क्या आप देख रहे, देखिए कनेक्ट हुआ। देखिए हम जाएंगे यहाँ पे व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मिनिमाइज किया, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में की आ रही है तो VPN की आ रही है, मतलब इसका है कि हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब व्हाट्सएप पे वापस। व्हाट्सएप पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं हमारा आ रहा है, हम किसी को अब मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि असल में बहुत से मैसेज आने वाले कि लोड जब होता है किसी पे और ऊपर से ज़्यादा स्पीड नहीं होती तो उस टाइम बहुत ये टाइम लगता है। तो हम जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हाई, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हाई लिख के लिखेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे हाई लिखा, तो अब हमारा नेट तो चल रहा है, बस स्पीड थोड़ी कम। देखिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आ रही है, अब व्हाट्सएप मैसेजेस हमें आ रहे हैं, और जो मैंने हाई लिखा अभी टिक नहीं हो रही है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी हाई को टिक हो गई और हमारी मैसेज भी आ रही है, अब व्हाट्सएप पे अच्छे से मैसेज भी आ रहे हैं हमें। तो दोस्तों ये ट्रिक सक्सेसफुल, देखिए ऊपर से डीएलएस ये फ्लिपकार्ट के मैसेजेस भी आ रहे हैं हमें, ओलेक्स की मैसेजेस भी आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं बहुत। तो दोस्तों ये ट्रिक 100% वर्क कर गई, आप देख सकते हैं अच्छे से, देख सकते हैं आप मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं, देख सकते हैं मैंने यहाँ हाई लिखा था वो भी टिक हुई उस मैसेज को, और हेलो अब मैं लिख रहा हूँ। आप देखिए इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हमें मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। देखिए गाइस हमारा नेट चल पड़ा अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ भी टिक होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी हमारी। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपने, और कॉमेंट करके अपनी राय दें। तो दोस्तों और हम आप लोग से और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।